कोई दिक्कत की बात नहीं है। विकास विकास थोड़ा सा नीचे प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद विजय और उनके जरिए पूरे देश में रहने वाले जो लाखों कार्यकर्ता उनके नाम एक संदेश जो है और भविष्य में आजाद समाज पार्टी क्या करने वाली है इसके विषय पे भी आज उस कड़ी को शुरू करने से पहले जो पिछली कई सारी चीजें आपके सामने आई मैं चंद्रशेखर आजाद एक युवा हूं और मैंने सिर्फ जीवन में लड़ना सीखा परेशानियों से समस्याओं से चाहे जुल्म जाति अत्याचार हो उनसे लड़ना सीखा। कभी मैंने व्यक्तिगत सुख राजनीतिक सुख की परवाह नहीं की। जब मैं पिछली बार मीडिया के साथियों से बात कर रहा था तो मैं भावुक भी हो गया। भावुक इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने बहुत कुछ खोया है और जब कोई कुछ खोता है तो उसको एहसास होता है। इस 5 साल में चाहे वो हाथरस का मामला हो कौन अपनी बहनों को जिंदा जलते देखता है वो भी कचरे की तरह, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो चाहे वो उन्नाव का मामला हो चाहे वो आगरा के भाई अरुण वाल्मीकि का मामला हो कि पुलिस जो है पीट पीट के किसी को मार देती है। 30 दिन की जच्चा होने के बाद उस बहन को उसके कुंडल तक जो है नोच लेती है उसको पीटती है। जैसे बीरपुर का मामला हो झुका तो मैं सरकार से तब भी नहीं जब मैं 16 महीने जेल में रहा जब मैंने रासुका झेली। इसी महीने CNPR एनआरसी का आंदोलन हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले और 16 तारीख की रात को मैं छूटा था तो डरा तो मैं इस केंद्र की सरकार से भी नहीं। मेरा डर सिर्फ ये था कि अगर विपक्ष के बिखराव की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा लौटती है तो इसका खामियाजा मुझे नहीं मेरे जैसे लाखों निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ेगा ये मेरा डर। लेकिन मैं समझता हूं कि इस पिछले 2 महीने के समय में चंद्रशेखर आजाद अपने एटीट्यूड ही खो बैठा है। उसे लगता है कि जो ट्विटर फेसबुक वाले नेता हैं जो सिर्फ घर में बैठकर ट्वीट करते हैं जो 5 साल कभी फील्ड में नहीं आते जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं उनको भी ऐसी राजनीति की जरूरत है। लेकिन मैं गलत था। मैं समझता हूं हमारी ताकत भीमार्मी आजाद समाज पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सरकार से मोर्चा लिया और विपक्षी भूमिका अदा की। कोई मामला किसानों का हो कोई नेता किसी पार्टी का चाहे वो विकल्प के रूप में हो कुछ भी हो किसी को आपने सड़क पर नहीं देखा हो। चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के मैं गया अकेला चाहे वो पूरे देश में साइन बाग बनाने की बात हो मैं अकेला व्यक्ति ऐसा था जो मुस्लिम भाई की लड़ाई में जब कोई छू भी नहीं रहा था तो मैं 27 दिन जेल में रहा मैंने 250 लाठियां खाई। ये सारी चीजें संघर्ष की लेकिन कभी मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और मैं आज भी समझौता नहीं करूंगा। हमने तय किया है कि आजाद समाज पार्टी किया उस काम के मजबूत है जिसकी लड़ाई आज तक उन्होंने लड़ी है उन माओ के उन बहनों के विश्वास के भरोसे उन बुजुर्गों के आशीर्वाद के भरोसे बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब की विचारधारा के भरोसे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाएंगे। और मैं एक युवा हूं अगर आज मैं डर जाता हूं स्थापित नेताओं के सामने घुटने टेक देता हूं तो मैं समझता हूं कल कोई गरीब युवा हिम्मत नहीं दिखा पाएगा वो हौसला नहीं कर पाएगा कि वो परिवर्तन के लिए लड़े। आम जनता से और बहुजन समाज की माताओं बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों से लेकिन स्वाभिमान सम्मान समझौता नहीं करेंगे। एक लिस्ट जो है क्योंकि इस तमाम तरह के छल में तैयारी करने का मौका मिला
मैं एक लिस्ट जो है जिनको प्रत्याशियों को हम लड़ाएंगे उनकी लिस्ट आपके सामने जारी कर रहा हूँ। उसके बाद चरणबद्ध जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को साथियों के साथ लेके लिस्टेड बना के जो है अपने चुनाव में उतरेंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ हम लोगों से आलापुर, जखनिया, सिरातु, मलियाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, हर गांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एतमादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, बिरवा और माट, ये विधानसभा कुल कितनी सीटें टोटल? टोटल सीटें हैं 33 या 34, कंफ्यूजन है, नाम में दोस्त का डबल। उत्तर प्रदेश की 33 सीटों पर लड़ेंगे पहले, अभी ये मैंने वो घोषणा की जिनपे हम लोग लड़ने के लिए जिनपे हमसे बात हुई थी, बाद में हमसे छल हुआ, जिनपे हमने तैयारी की थी। लेकिन ऐसा नहीं, बीमारी में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभा पे, और हमने साबित किया था जब बुलंदशहर उपचुनाव हुआ कि बड़े बड़े दल जो आज अहंकार में है वो तीसरे चौथे नंबर चौथे पांचवे नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे। हमने आज जो कुछ प्राप्त किया अपनी मेहनत से प्राप्त किया है, खैरात में नहीं प्राप्त किया। और अगर आज युवाओं के इस लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया ना, मैंने फिर कहा फिर कोई सत्ता के आगे लड़ेगा नहीं, फिर कोई भगत सिंह नहीं पैदा होगा, फिर कोई उधम सिंह नहीं पैदा होगा। तो मेरी लड़ाई ईमानदारी की है। मैं ये भी वादा करता हूँ कि जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो आप देखिए आजाद समाज पार्टी ताकत मेहनत से ये साबित करेगी। और जब सरकार